जादू मेरे प्राण के दाता, मेरे अंतर तम मैं बहा दो तेरे प्रेम की धारा, मम आत्मा की प्यास बुझा दो मेरे प्राण के दाता। उज्ज्वल करो पावन आत्मा, मंगल करो पावन आत्मा, उज्ज्वल करो पावन आत्मा, मंगल करो पावन आत्मा। ख्रिस्त में प्रियजनों, हम सभी पुनर्जीवित प्रभु में आनंदित है, साथ ही साथ कलीसिया जन्मोत्सव मनाने की तैयारी में है। हम बहुत सालों से पेंतेकोस्त पर्व मनाती आ रही है। क्या जरा सा हम मनन करें कि हम में यानी मुझ में क्या क्या बदलाव आए हुए हैं। जब शिष्यगण डर से कमरे में समय बिताया तब वे पवित्र आत्मा को ग्रहण किए और निडर होकर आनंद और पूरे शक्ति के साथ पुनर्जीवित प्रभु का नाम की घोषणा करने एवं प्रचार करने लगा। क्या मैं और आप पवित्र आत्मा की शक्ति से अभिषेक से पूरित है? योएल नबी द्वारा प्रभु ये कहता है, याजगो टाट ओढ़कर शोक मनाओ, वेदी के सेवको विलाप करो, मेरे ईश्वर के सेवको शोक वस्त्र पहनकर रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर का मंदिर नैवेद्य और तर्पण से वंचित हो गया है। योएल का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 13। जब जनता पश्चाताप किए तो विपत्ति समाप्त हो गई और समृद्धि आए। इतना ही नहीं, सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा भेजा। मेरे प्रियजनों, पवित्र आत्मा अभिषेक के लिए पश्चाताप हृदय से अपने प्रभु के पास लौट जाने का निमंत्रण हमें मिलती है। इस आगामी पेंतेकोस्त पर्व मनाने के लिए हृदय से पश्चाताप करते हुए अपने प्रभु के पास लौट आने की प्रयास करें, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दयासागर है। योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13। आवा सहज ही द्रवित होकर हमें पवित्र आत्मा से परिपूरित करें। प्यारे दोस्तों, मई महीना बड़ी उत्सुकता से एवं भक्ति से हम ख्रिस्त भक्तगण माँ मरिया हमारी माँ की आदर एवं सम्मान देने में बहुत उत्सुक और तत्पर है। माँ ममता की अनमोल दास्तान है जो हर दिल पर अंकित है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी ठाली नहीं जाती। जैसे हम सभी जानते, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए शिष्यों को माता मरियम ही इकट्ठा किए एवं तैयारी किए। इसी कारण हमारे लिए भी माँ की दया और दुआ बहुत ही जरूरी है। तो आइए प्यारे मित्रों, इस संकट की घड़ी में, इस दुखित एवं भयभीत दिनों में
माता मरियम की शरण पड़े, हाथ पकड़े, क्योंकि माँ की शरण में स्वांतना है, माँ के कदमों तले स्वर्ग है। पवित्र आत्मा की एक नई अभिषेक के लिए तीव्र आग्रह एवं आशा के साथ प्यासे मन से, पश्चाताप हृदय से, दृढ़ विश्वास के साथ माँ की छाया में प्रार्थना में अपने को तैयार करें। पुनर्जीवित प्रभु ईसा मसीह की कृपा, अनुग्रह तथा शांति हम सबों पर बनी रहे। मेरे अंतरतम में बहा दो तेरे प्रेम की धारा, मम आत्मा की प्यास बुझा दो मेरे प्राण के दाता। उज्ज्वल कर